हेलो एवरीवन, आज हम बात करेंगे थाटों के बारे में। ये हमारा म्यूज़िक का सबसे बेसिक टॉपिक रहता है, स्टार्टिंग में हमें ये पढ़ने के लिए मिलता है। थाट, पहले बात आती है थाट कितने होते हैं। तो थाटों की संख्या वैसे तो पता होगी, लेकिन मैं तब भी एक बार आपको बताती हूँ। 10 थाट होते हैं, थाटों की संख्या होती है 10, ठीक है। और उन 10 थाटों के नाम क्या होते हैं, जैसे कोई कोई, जैसे मैंने देखा है कि कुछ लोग लर्न करते हैं लाइक कैसे कि पहला हमने थाट ले लिया, फिर जैसे पहले कल्याण ले लिया, फिर मारवा ले लिया, फिर तोड़ी ले लिया, फिर भैरव ले लिया। तो इनका एक सीक्वेंस होता है। आप कोशिश कीजिए कि आप सीक्वेंस में उनको समझो, याद करो और समझो, याद करने से ज़्यादा उसको समझो। सीक्वेंस में पहला जैसे लाइक बिलावल है, दूसरा है कल्याण, तो ऐसे पूरा मतलब एक लिस्ट बनाओ, बिल्कुल सीक्वेंस में उनको करो। फिर उनमें लगने वाले स्वर, किस थाट में कौन से स्वरों का यूज़ है, ठीक है। तो आज मैं आपको ये बताऊंगी, इसको ध्यान से समझना, सीखना। और अगर आप एक बार इसको समझ लेते हो फिर आपको याद करने की कोई ज़रूरत नहीं है, क्योंकि वो हमको सीक्वेंस समझ में आ जाता है कि पहला थाट ये है, दूसरा थाट ये है, तीसरा थाट ये है। ऐसे 10 थाटों के आपको नाम समझ आ गया तो आप पूरा प्रॉपर कर सकते हैं। और उनमें लगने वाले स्वर, कोई बहुत ज़्यादा रटने वाला ये मेथड नहीं है, आपको रटने की कोई ज़रूरत नहीं है। उसमें लगने वाले स्वर ऐसे हैं कि अगर आपको स्वरों का जो तरीका है वो समझ आ गया कि किस थाट में किस तरीके का स्वर का यूज़ है, अगर वो आप समझ लेते हैं तो आपको याद करने की, रटने की कोई भी जरूरत नहीं है। तो आज बात करते हैं 10 थाटों के बारे में। स्टार्ट, 10 थाटों के नाम मैंने लिख लिए हैं, तो एक बार मैं आपको ये बताती हूँ। जैसे कि हम स्टार्ट करेंगे थाट बिलावल से, कि 10 थाट हैं जो मैंने क्रम वाइज लिख लिए हैं। तो आपको कोशिश करनी है कि सीक्वेंस वाइज जो थाटों के नाम है आप ऐसे ही समझो, ऐसे ही इनको याद करो, ठीक है। तो सबसे पहले हमारा थाट जो आता है वो है बिलावल, दूसरा है कल्याण, तीसरा है खमाज, फिर काफी, असावरी, भैरव, भैरवी, मारवा, पूर्वी, तोड़ी। ये 10 थाट है, उसकी लिस्ट है। तो ऐसा नहीं करना है कि बिलावल, भैरवी, खमाज, पूर्वी, इससे ना क्या है, तो देखो इसमें लगने वाले जो स्वर हैं उनका सीक्वेंस टूट जाता है। तो मैं आपको यही सजेस्ट करूंगी और यही बोलूंगी कि आप सीक्वेंस में ही थाटों को करो, ठीक है। अब बात आती है इनमें लगने वाले स्वर, जो ये 10 थाट हैं इनमें जो स्वरों का यूज है वो क्या है। तो सबसे पहले बिलावल की बात करते हैं, ये मैंने इधर लिख दिया है कि सारे स्वर शुद्ध। बिलावल एक ऐसा थाट है जिसमें सारे स्वर शुद्ध प्रयोग किए जाते हैं, इसमें कोई कोमल नहीं होता, कोई तीव्र नहीं होता, ठीक है। अब दूसरा आता है कल्याण, कल्याण में कैसे स्वर यूज होते हैं, तो इसमें आता है आपका म तीव्र, म तीव्र, अन्य स्वर शुद्ध, इसमें म तीव्र है, अन्य स्वर शुद्ध है। कल्याण में कल्याण की पहचान है, आपको पता है तीव्र स्वर का सिंबल क्या होता है, हमेशा ऊपर खड़ी लकीर, ठीक है। इससे आप, जैसे मैं आपको एग्जांपल बता रही हूं, म और म, इनमें पहचानेंगे कैसे, क्योंकि दोनों कॉमन है, शुद्ध और तीव्र। तो इसकी पहचान बस यही है कि जो ये शुद्ध म है इसमें कोई भी आपका सिंबल नहीं होगा, ठीक है। और जो ये है इसमें आपका तीव्र, तीव्र मतलब ऊपर आपकी खड़ी लकीर होगी। शुद्ध म है, इसमें कुछ नहीं होता, कोई सिंबल नहीं है, शुद्ध स्वर जितने भी होते हैं उनमें कोई सिंबल नहीं होता, ओके। खमाज में आपका आएगा नी कोमल, नी कोमल, अन्य स्वर शुद्ध, ये खमाज में आता है, ठीक है। अब काफी, काफी में है गनी कोमल, गनी कोमल, अन्य स्वर शुद्ध। अच्छा, कोमल का सिंबल जैसे मैंने आपको तीव्र का बताया ऊपर खड़ी लगी, ऐसे जैसे ग है तो कोमल का मतलब होगा इसमें नीचे लाइन, अंडरलाइन जो होती है, इससे आप कोमल पहचान सकते हैं, कोमल स्वर है, ठीक है। असावरी, असावरी है आपका जो स्वर यूज है वो है ग ध नी, कोमल, ग ध नी कोमल, अन्य स्वर शुद्ध। भैरव, भैरव में आएगा रेध कोमल, अन्य स्वर शुद्ध। अब आती है बात भैरवी की, इसमें
भैरवी में, भैरवी एक ऐसा थाट है जिसमें चारों कोमल स्वर का यूज होता है, हमारे कोमल स्वर चार होते हैं सबको पता होगा, तो भैरवी में रे ग ध नि कोमल चारों स्वरों का यूज होता है, बाकी के अन्य स्वर शुद्ध हैं। मारवा तोड़ी, ये तीन थाट ऐसे हैं जिसमें कोमल भी है और तीव्र भी है, आपको इतना याद रखना है। सात यहां तक भैरवी तक ऐसे थाट थे जिसमें या तो पूरे स्वर शुद्ध है, किसी में म तीव्र है, बाकी स्वर शुद्ध है, किसी में कोमल स्वर है, लेकिन मारवा से ऐसा, मारवा पूर्वी तोड़ी तीन थाट ऐसे हैं जिसमें कोमल भी आता है और तीव्र भी आता है, तो याद रखना है रे कोमल म तीव्र अन्य स्वर शुद्ध। पूर्वी में आता है रे था कोमल म तीव्र अन्य स्वर शुद्ध, इसमें रे कोमल म तीव्र था, इसमें रे के साथ ध कोमल भी लगा दिया, रे ध कोमल म तीव्र अन्य स्वर शुद्ध। तोड़ी तोड़ी इसमें रे घ ध कोमल म तीव्र अन्य स्वर शुद्ध, ठीक है। तो आपको इतना याद रखना है, सबसे पहले सीक्वेंस में थाट ये दस याद करने हैं आपको, याद करना इन द सेंस समझना, याद करने का मतलब है ये कि आप समझ लोगे तो आपको अपने आप से याद हो जाएंगे, बाकी इसकी ट्रिक बोल लो या फिर इसका कंसेप्ट जो है वो यही है कि पहला थाट सारे स्वर शुद्ध है, कल्याण में सिर्फ म तीव्र है बाकी स्वर शुद्ध है, खमाज में सिर्फ नी कोमल है बाकी स्वर शुद्ध है, काफी में नी के साथ ग भी लगा दिया मीन्स ग नी कोमल अन्य स्वर शुद्ध, असावरी ग धनी मतलब ग नी के साथ ध यूज इसमें ऐड कर दिया है, ग धनी कोमल अन्य स्वर शुद्ध, भैरव रेध कोमल अन्य स्वर शुद्ध, ठीक है। भैरवी, भैरवी ऐसा थाट है जिसमें चारों कोमल स्वर आते हैं, रे ग धनी कोमल अन्य स्वर शुद्ध। मारवा जिसमें रे कोमल है म तीव्र है बाकी स्वर शुद्ध है, ये तीन थाट ऐसे हैं जिसमें कोमल भी आएगा तीव्र भी आएगा, ठीक है। और पूर्वी रे ध कोमल म तीव्र अन्य स्वर शुद्ध, तोड़ी रे ग ध कोमल म तीव्र अन्य स्वर शुद्ध। अच्छा इसमें एक चीज कॉमन है वो आप देखना, मारवा पूर्वी तोड़ी तीनों में म तीव्र आ रहा है, तीनों में म तीव्र का यूज है, साथ में इसमें रे है, इसमें रे ध है, इसमें रे ग ध है, इतना बस आपको याद रखना है। तो आप ये 10 थाट इसमें लगने वाले स्वर आराम से इजीली तैयार कर सकते हैं। थैंक यू।